आज के इस विशेष व्याख्यान माला में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक दार्शनिक अनुज प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, एक और दार्शनिक विदुषी जिनको मैं कई बार सुन चुका हूं, प्रोफेसर निम्बालकर जी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी, बालेश्वर जी, प्रोफेसर बालेश्वर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, और आज हमारे बड़े भाई प्रोफेसर विनोद राय जी, ये सुनकर कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं पहले आ गए यहाँ वो, और इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हमारे प्रिय छात्रों, मेरा सौभाग्य है। मुझे श्रुति जी ने अप्रोच जब किया था, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, शायद 6 सितंबर की बात है, और मैं 4 सितंबर को वो स्थान देखने गया था जहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बैठते थे। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ऑक्सफोर्ड में हूं, तो उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजन की जो चेयर थी उस जमाने में, जिसके वो प्रोफेसर थे, मैं वहां अपना सर झुकाने के लिए गया था, अप्रोच किया। मैंने कहा मैं 22-24 तक इंडिया में आ पाऊंगा, तो कहा कि आपका एक व्याख्यान चाहिए, आपने मुझे बुलाया, मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस अप्रोच के लिए, इस विभाग के मैं आभारी हूं प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी का और इस विभाग का। निरंतर आपकी जो व्याख्यान माला चलती है, लिंक से जोड़ने का मेरा सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं बीच बीच में जो दर्शन शास्त्र की गंगा प्रवाहित हो रही है व्याख्यान के माध्यम से, उसमें गोते लगाने का प्रयास करता हूं। दार्शनिक नहीं हूं, दर्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानते हैं आप। काशी में 2 तरह के आते हैं लोग स्नान करने के लिए गंगा जी में। एक तो जो गोताखोर होते हैं वो गंगा में कूद कर स्नान करते हैं, जो मेरे तरह से डरे हुए लोग होते हैं, पैर कहीं फिसल न जाए, डूब न जाए, वो पानी का ऊपर छिड़क करके बाहर हो जाते हैं। मैं उतने दार्शनिक हूं, पानी छिड़क कर दर्शन शास्त्र से बाहर हो जाता हूं। मित्रों, दादा धर्माधिकारी के पुत्र चंद्रशेखर धर्माधिकारी, जो भारत के बड़े न्यायाधीश रहे हैं, पर्यावरण पर बड़े फैसले लिए हैं, उन्हें छोटी बात कहानी सुनाई एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में। मैं उसको थोड़ा सा करके तब बात शुरू करता हूं। एक उनका कहना था कि कथावाचक किसी सुदूर गांव में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के लिए गए थे, और उस जमाने में बहुत जगह मोबाइल फोन नहीं था, 10 दिन की कथा होती है, घर की याद आई, एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिखकर वो सोच रहे थे गांव में पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में डाल दो। तो चिट्ठी डालने के लिए निकले, वो घर नहीं मिल रहा था जहां पर वो डिब्बा था। एक बच्चा 8-10 साल का, वो क्रिकेट खेल रहा था, बल्ला लेकर के, 8 साल की उम्र रही होगी 10 साल की, और उसे पूछा बेटा तुम्हारे गांव में चिट्ठी डालने का कोई डिब्बा है? बोला हाँ अंकल है बिल्कुल डिब्बा। तो कहा जरा चलो मैं चिट्ठी डालना उसमें। वो हाथ पकड़ के ले गया साथ में और चिट्ठी डलवा दिया। कथावाचक ने कहा बेटा तुम बहुत संस्कारवान हो, इतना बहुत महत्वपूर्ण तुम खेल खेल रहे थे क्रिकेट मैच, और हमने तुमसे कहा, तुम मेरा सहयोग किया ला करके डलवा दिया तुमने चिट्ठी, हम तुम्हारे गांव में कथा वाचने आए हुए हैं और ईश्वर के प्राप्त के रास्ता बताते हैं, ईश्वर के यहां पहुंचने का मार्ग बताते हैं, तुम भी आओ। उसने कहा क्यों झूठ बोलते हैं, डिब्बे का तो आपको पता नहीं, हमसे पूछ रहे थे और बता रहे ऊपर का रास्ता। मैं ऐसे ही जानता हूं आप सभी लोग गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कोई नई बात होगी, लेकिन नए तरीके से बात को रखने का मैं प्रयास करूंगा। मैंने सोचा 21वीं शताब्दी में गांधी की प्रासंगिकता क्या हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में निरंतर हमारे विद्यार्थी भी जो इस विश्वविद्यालय के हैं वह भी देख रहे होंगे, राजनीतिक उथल पथल के बीच में गांधी के बारे में क्या चलता है, सोशल मीडिया में किस तरह के दृश्य आते हैं, मन बड़ा विचलित होता है। तो मैंने सोचा विषय का चयन मैं कैसे करूं। मेरे दिमाग में आया सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्ते, ये सब दर्शन शास्त्र के विषय हैं, हमारे विद्यार्थी पातंजलि योग सूत्र में यम नियम को पढ़ते ही है, गांधी पर इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश आजाद हो गया है और जिस तरह से हमने आजादी पाई, गांधी के स्थानीय सत्याग्रह, चाहे किसानों को लेकर चंपारण सत्याग्रह हो और चाहे वो मजदूरों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, बारदोली सत्याग्रह हो, वैकोम का हरिजनों के प्रवेश के लेकर के मंदिरों में वैकोम सत्याग्रह हो, और चाहे गांधी के 3 नेशनल और राष्ट्रीय सत्याग्रह हो, दांडी मार्च,
भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम आगे निकल चुके हैं, तब चर्चा किस पर करें। मेरे दिमाग में आया 21वीं शताब्दी में अगर चर्चा करना है तो आज की परिस्थितियों में गांधी के चिंतन को कैसे हम विद्यार्थियों के माध्यम से आम जनता के बीच ले जाएं, हमारी यही पहले भारत का वैशिष्ट्य क्या है हमें जान लें। अलेक्जेंडर महान जब हिंदुस्तान फतह करने के लिए आ रहा था बड़ी लंबी सेना लेकर के, तो अपने गुरु अरस्तु के पास गया और कहा, गुरुदेव मैं हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं, मुझे आप बताएं वहां से जीत करके मैं आपके लिए कौन सा गिफ्ट लाऊं, उपहार ले आऊं। जानते हैं सिकंदर महान के गुरु ने क्या कहा, अलेक्जेंडर अगर हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हो तो वहां से जीत करके हाथी घोड़े लाने की जरूरत नहीं है, सोने चांदी जेवरात पाने की जरूरत नहीं मुझे गिफ्ट में देने के लिए, और गुलाम भी लाने की जरूरत नहीं बना करके मुझे गिफ्ट करने के लिए। तब अलेक्जेंडर ने कहा यही तो देते हैं लोग जीत कर लाते हैं, तो क्या नहीं, अगर ईमानदारी पूर्वक तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, हिंदुस्तान जा रहे हो, वहां से दो आचार्यों को लाना, क्यों, दे नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड, दे नो मिस्ट्री ऑफ नेचर, दे नो द मिस्ट्री ऑफ मैन। हिंदुस्तान के आचार ईश्वर के मार्ग को जानते हैं, ईश्वर के पहुंचने के मार्ग को जानते हैं, उसके अस्तित्व को जानते हैं, रहस्य को जानते हैं, मनुष्य के रहस्य को जानते हैं, प्रकृति के रहस्य को जानते हैं, अगर हो सके, और इन्हें तुम जबरदस्ती नहीं ला सकते, उनका दिल जीत कर हम उस देश को बिलोंग करते हैं जिसके बारे में अरस्तु दुनिया के बड़ा महाज्ञानी इस भारत के बारे में कहता है बुलाइएगा। और दूसरा अमेरिकन गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर, गांधी को देखा नहीं था, मिले नहीं गांधी से कभी, सिलोन रेडियो पर उन्होंने गांधी के नॉन वायलेंस के एक भाषण को सुना था, उसमें सिलोन रेडियो होता था, सुना था गांधी के असैसिनेशन के 6 साल बाद हिंदुस्तान पधारे अपने परिवार के साथ, और हवाई अड्डे पर जब उतरे तो बड़ा नाम था उनका अश्वेतों के लिए संघर्ष करने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए, हमारे देश के छायाकार हवाई अड्डे से उतरते ही उनके पास पहुंचे और पूछा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हाउ यू फील इन कंट्री इंडिया, यू नो व्हाट वाज हिज रिस्पांस, ही सेड अदर कंट्री आई यूज्ड टू विजिट एज ए टूरिस्ट बट हियर आई एम एज ए पिलग्रिम, अन्य देशों की यात्राएं तो मैं पर्यटक की तरह करता था, यहां तीर्थ यात्री के रूप में आया हूं। वाई एज ए पिलग्रिम सिंस गांधी वाज बॉर्न हियर, गांधी यहां पैदा हुए इसलिए हमारे लिए तीर्थ है ये हमारे राष्ट्रपिता के बारे में एक बड़ी भावना थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। और जब बिरला हाउस आते हैं, कभी कोई बिरला हाउस गया इसमें से, कभी बिरला हाउस गए होंगे, देखा होगा गांधी के जो ब्लड लगे हुए चादर बनी हुए स्थान बना हुआ जो लगा हुआ है, हे राम लिखा हुआ, जब वहां गए दर्शन करने तो फिर मौका मिला पत्रकारों को, पत्रकारों ने पूछा, देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंकर्स फिलोसोफर इन द वर्ल्ड, व्हाई यू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड टू गांधी मिस्टर जूनियर, वो जो रिमार्क है हिंदुस्तान के शिक्षकों के लिए, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों के लिए सोचने का विषय है। जानते क्या कहा उन्होंने, जब पत्रकारों ने पूछा व्हाई यू हैव द हाईएस्ट रिगार्ड टू गांधी, उन्हें कहा द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन आई फेल टू गेन फ्रॉम द यूटिलियन थ्योरी ऑफ बेंथम एंड मिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हाफ लाइक रूसो, सोशल रिवोल्यूशनरी फिलोसफी ऑफ मार्क्स एंड लेनिन, एंड सुपरमैन फिलोसफी ऑफ द नीत्से विच आई फाउंड इन द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस प्रोपोगेटेड बाई महात्मा गांधी। कहते हैं मुझे बौद्धिक और आत्मिक शांति बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के पुस्तकों को पढ़कर नहीं मिली, राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत हाफ लाख रूसों को पढ़कर मुझे शांति नहीं मिली, आत्मिक और बौद्धिक शांति तो मिल जाती, आत्मिक शांति नहीं मिली। और जब दुनिया में कम्युनिज्म का झंडा फहरा रहा था और मार्क्स लेनिन की दास कैपिटल मार्केट में थी, पढ़ा लोगों ने और कहा, उसको पढ़कर मार्क्स और लेनिन को भी संतुष्टि नहीं मिली, और सुपरमैन ऑफ फिलोसफी ऑफ द नीत्से की जो सुपरमैन की फिलोसफी है उसको पढ़कर नहीं मिली, जो सुकून और शांति मुझे गांधी के नॉन वायलेंस की थ्योरी को पढ़कर मिली है। इट इज ब्यूटी ऑफ द फादर ऑफ नेशन, इट इज ब्यूटी ऑफ द अवर फादर ऑफ नेशन। गांधी जी के बारे में मैं सिर्फ शुरुआत करूंगा वहां से, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महापुरुषों के अवतरण का काल है, महापुरुषों के अवतरण का काल है, 4 बड़े महापुरुष
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनकी कर्मभूमि है। अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य पर पूरी पकड़, अच्छे बैरिस्टर, और दूसरे बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महर्षि अरविंद और महात्मा गांधी, ये पांच महापुरुष, और ये पांच महापुरुष 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैदा हुए, और इन पांचों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, दे गेव द प्रॉपर शेप टू दिस नेशन, भारत के दार्शनिकता को, फिलोसफी को आगे बढ़ाया, दुनिया को संदेश दिया मानवता का, करुणा का, दया का। और ब्यूटी क्या है? ये तो दार्शनिक सामाजिक विज्ञान के दृष्टि से है, हम गांधी को कितना मानते हैं, विज्ञान कितना मानता है। आइजनबर्ग जो बहुत बड़ा भौतिक विज्ञानी है, ही वाज कंटेम्पररी टू द आइंस्टीन, दोनों भौतिक विज्ञानी हैं आइंस्टीन और आइजनबर्ग। आइजनबर्ग ने एक चिट्ठी लिखी आइंस्टीन को, क्या चिट्ठी का कंटेंट देखिए आप, चिट्ठी लिखता है आइजनबर्ग आइंस्टीन को, वेस्ट हैज डेवलप्ड ए शिप, पश्चिम ने एक जलपोत तैयार किया है, हैविंग ऑल कंफर्ट इन इट, सारी सुविधाओं से परिपूर्ण है, सारी सुविधाएं उस जलपोत में है, वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज कंपास, एक चीज नहीं है उसमें, कंपास दिशा सूचक यंत्र नहीं है। अब कल्पना करिए, आइजनबर्ग आइंस्टीन से कह रहा है कि पश्चिम ने भौतिकता के जितने संसाधन होते हैं सबको निचोड़ करके बड़ा भारी युद्धपोत बनाया, जलपोत बनाया, सारी सुविधाएं उसमें है, लग्जूरियस है सब चीजें, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या है, दिशा सूचक यंत्र। ऐसा कोई विमान हो सकता है क्या, ऐसा कोई जलपोत होगा जिससे वही ना हो, कहां चला जाएगा बाहर करके। फिर कहते हैं द कंपास इज इन द हैंड ऑफ टू लीडर्स ऑफ इंडिया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। ये वैज्ञानिकों का दृष्टि है, विकास हमारा किस तरफ जाएगा, हम किस तरह का विकास चाहते हैं। विकास तो रावण का भी था, रावण का विकास नहीं था, सोने की लंका थी, कितना टन सोना लगा होगा। अगर हम राम को मानते हैं तो रामायण को मानेंगे रावण को मानना पड़ेगा, रावण को मानना पड़ेगा तो लंका सोने की थी भाई, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और सोने की लंका, कितना सोना लगा होगा, स्ट्रीट से लेकर बिल्डिंगों तक, ठीक है ना। और विकास का पैमाना आज क्या हो गया, हाउ मच लीकर कंज्यूम बाई द पीपल इन ए सिटी, कितना शराब बिकती है हमारे किसी शहर में, कितना हम कंज्यूम करते हैं। अब इट हैज बिकम द पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। उसके जमाने में शराब तो फ्री में थी, हर जगह के बांड ब्रांड लगे हुए, तो नल खोलिए पी लीजिए आप। और उसने कहा साहब खाने पीने के लिए कोई चिंता मत करिए, रेस्टोरेंट की देवलोक में जाइयो, करो देवतन भेंट, और तिन्हें पकड़ लाओ, यहां भरो अपनो पेट, इतना ताकत पराक्रम है। आज हम मिसाइल की बात करते हैं, बड़ा भारी हमने पैदा कर लिया है। कभी रामलीला देखे होंगे आप, पढ़ा होगा, रामचरित मानस पढ़ेंगे, अग्निबाण मारा तो मिसाइल पहले भी था। तो जिस मिसाइल की परिकल्पना हम अब कर रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं, वो मिसाइल बहुत पहले त्रेता युग में थी, वह भी उसके पास था। राफेल ने बहुत उन्नत कर लिया, और राफेल विमान, टॉप विमान हम भी ले आए फ्रांस से खरीद करके, लेकिन उस विमान से कहीं ज्यादा तगड़ा विमान उसके पास कौन था, पुष्पक विमान, जिसके बारे में कहा जाता है इतना बड़ा विमान था कितने भी आदमी बैठ जाए एक सीट खाली रहती थी, ऐसी तो फार्मूला नहीं देखा आज तक मैंने किसी विमान का। तो साइंस के मामले में, सोशल डेवलपमेंट के मामले में, हाउसिंग के मामले में, रोड के मामले में, पीने के मामले में, डेवलपमेंट का सारा पैरामीटर रावण ने विकसित कर दिया था। वुड यू लाइक टू जस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट रावण राज, क्या रावण राज चाहेंगे आप? नहीं। ये कहने का अभिप्राय यहां मेरे ये है, विकास के जो इंडिकेटर हैं, अगर मानवता के साथ अलग हट करके विकास को देखेंगे, वो विकास हमें स्वीकार नहीं। जो व्यक्तियों से व्यक्तियों को तोड़ दे, जात से जात को तोड़ दे, धर्म से धर्म को लड़ा दे, हमें वो विकास नहीं चाहिए। गांधी जी की इसको बड़ी चिंता थी, और गांधी जी ने 1909 में जब हिंद स्वराज लिखा, पुस्तकें कौन पढ़े हैं गांधी जी, 1909 तक गांधी जी बड़े परिपक्व हो गए, 14 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, 99 गए, 2015 में लौटे, 1914 में लौटे यहां, उतने समय तक गांधी जी ने, उसके पहले 1909 तक गांधी जी ने कितनी पुस्तकें पढ़ी, टॉलस्टॉय की पुस्तकें पढ़ी, व्हाट इज आर्ट, व्हाई शैल बी एस्केप, लेटर टू ए हिंदू, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, व्हाट इज आर्ट, दीज आर द बुक्स रिटन बाय द टॉलस्टॉय, उनका पढ़ा, बिलेस कम्युनिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट उसको पढ़ा, द फेलोशिप ऑफ स्पीड उसको पढ़ा,
संपदा नामक पुस्तक पढ़ी, ब्रूम की कामल्ला पढ़ा, 40वें पुस्तक का रिफरेंस दे रखा है, और रस्किन की अनटू दिस लास्ट और थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस थोरो की पढ़ा, और सब पढ़ने के बाद गांधी 1909 तक वैचारिक रूप से बड़े परिपक्व हो गए थे, और तब उन्हें हिंद स्वराज लिखा, एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार क्या हो, दुनिया को देखा। हम तो लंदन अब चले जाते हैं, उस जमाने में लंदन कोई सामान्य आदमी जा नहीं सकता था, क्योंकि महात्मा गांधी के पिता राजकोट और पोरबंदर के दो बड़े रियासतों के दीवान थे, बड़ा उनके पास संसाधन था, वो जा सके वहां। अब तो चले जाते, पैसा पर्याप्त हो गया है, चले जाना मुश्किल था। उस जमाने पढ़ करके भौतिकता के तमाम चरमोत्कर्ष को देखा उन्होंने, और तब भी लिखा कि भौतिकता और भोग हमारा विकल्प नहीं है, सेवा और त्याग ही हमारी। एक आदमी और बड़ा नाम हुआ है इतिहास में, जिसने लिखा है इतिहास के बारे में, और वह कहता है, सैकड़ों सभ्यताओं का अध्ययन किया, कहा कि दो परिणाम निकाला इतिहास का, बड़ा अर्नाल्ड टाइनवी का नाम सुना होगा, बड़ा इतिहासकार दुनिया का है वो, बड़ा फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। उसने दो निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष निकाला, वह संस्कृतियां जो भोग और भौतिकता पर आधारित है वो समाप्त हो गई, सिर्फ वही संस्कृतियां दुनिया में अछूट रह सकी जो त्याग और सेवा पर आधारित थी, और भारत की संस्कृति उसमें से एक है। इट इज फर्स्ट रिजल्ट। एंड सेकंड, वो कहता गांधी के बारे में, राजनीति की काली कोठरी में कैसा व्यक्ति प्रवेश क्यों न करे, बिना कालिक पुते बाहर नहीं आता। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति गांधी हैं जो राजनीति की काली कोठी में गए नहीं, छक्कर खूब रहे, और जब बाहर निकले तो काली कोठी क्या उन्हें प्रभावित करती, उन्हें अपनी सादगी से काली कोठी को प्रभावित कर दिया। दैट इज ब्यूटी ऑफ गांधी। कालीमा में भी वो सादगी पैदा कर देते हैं, श्वेत ताला देते हैं, ये गांधी का दर्शन। अब मैं मूल विषय पर इतना करने के बाद आता हूं, गांधी आज क्यों प्रासंगिक है। आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया का युद्ध, देखा आपने, लगातार चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। दूसरा, ग्रीस और तुर्की के बीच में प्राकृतिक तेल को लेकर तनातनी लगातार जारी है। अर्मेनिया अजरबैजान को आप देख रहे हैं, यमन के होने वाले दृश्य को, सऊदी अरब अमीरात के साथ होने वाले संघर्ष को आप देख रहे हैं। दुनिया शांत कहीं नहीं है, हिंसा चारों तरफ है, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर जो वायलेंस है वह हमें याद दिलाती है गांधी एक पहले व्यक्ति हैं लोकतंत्र की मर्यादा को स्थापित करने के लिए। हम मानते हैं, कहते हैं कि साहब ये जो लोकतंत्र का उदय है वो 1780 से 90 तक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें से तीन शब्द निकले, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और उससे दुनिया को एक मिला रस्ट कि हम जो है उसको, हम भी लस हुआ, हम भी लागू करें, और बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक साम्राज्य का गठन हुआ, लोकतांत्रिक राज्य बने। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र फ्रांस से आया है। अरे हम हिंदुस्तान के और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमारे यहां क्या है, शादवाद जैन दर्शन का है, हम जो बोलते हैं वही सत्य नहीं है, सत्य के अंश सभ्य है। इसलिए सबका सम्मान, सबकी गरिमा और महत्ता का सम्मान, सबको मिलकर के लोकतंत्र बनता है। यही नहीं है, हमारे उपनिषद कहता है वादे वादे जाते तत्वबोधा, इट इज डिस्कवर्ड एसिमुलेटेड एंड एक्सपीरियंस बाय डिबेट एंड डिस्कशन। सत्य का उद्घाटन तर्क से होगा, शास्त्रार्थ से होगा, वाद विवाद से होगा, निष्कर्ष निकालेंगे तब चलेंगे, इसके लिए पार्लियामेंट बना है। तो हमें गांधी ने इस पर फोकस किया, लो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फोर कैपिटल डी, फर्स्ट बिलीव इन डायवर्सिटी, फोर कैपिटल डी, डी 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 बिलीव इन डायवर्सिटी। ऐसा हो सकता है क्या, विश्वेश्वरा मुनि के तीन लड़के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, एक किस प्रकृति का था, दूसरा सोने वाला ही था, खाने वाला था, और तीसरा भक्त निकला। अगर एक ही ऋषि के तीन बच्चे तीन तरह के हो सकते हैं, तो अगर कोई दल या विचारधारा ये चाहे कि सारे देश के लोग एक विचारधारा में रहेंगे, तो खाली कपोल कल्पना है, ये होने वाला नहीं है। इसलिए हमें डायवर्सिटी पर भरोसा रखना है, भारत संस्कृतियों का देश है, गांधी जानते हैं, वी हैव टू फेथ इन प्लुरलिज्म। बहुत सारे लोग हैं देश में, खाने का तरीका, पीने का तरीका, और जब आप 26 जनवरी को जो परेड होती है, अलग अलग राज्यों के दृश्य को देखते हैं आप, तो आपको फील होता है वी जस्ट बिलोंग टू कंट्री ग्रेट दैट इज इंडिया, नहीं लगता आपको। तो हमें पहला तो क्या है, वी हैव टू बिलीव इन डायवर्सिटी, सेकंड वी हैव टू बिलीव इन डायलॉग, संवाद ही सारी समस्याओं का समाधान है,
प्रथम विशुद्ध हुआ 1919 वाला, वह भी वार्ता से समाधान हुआ, और द्वितीय विश्वयुद्ध में लड़ करके करोड़ों गए, 2 करोड़ से ऊपर लोग मरे युद्ध में, और वो भी वार्ता से समाधान निकला। तो डायलॉगी तरीका हो सकता है, युद्ध समाधान नहीं है, युद्ध से युद्ध ही पैदा होगा, विनाशकारी चीजें होगी, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन है। गांधी ने कहा सच्ची सत्ता का सुख, सच्चे स्वतंत्रता का सुख तब है जो हमारे 7 लाख गांव हैं सुशासन की इकाई बने। पावर सेंट्रल में नहीं होना चाहिए, पावर नीचे होना चाहिए, सिर्फ संयोजन होना चाहिए, हम उसे नहीं कर सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर व्यक्ति की गरिमा और महत्ता में विश्वास। कोई आप देखते होंगे अष्टावक्र जी थे, बड़े टेढ़े मेढ़े थे, बड़े आचार थे, लेकिन जनक जैसे जो ऋषि थे उनके गुरु थे वो। तो आप किसी के चेहरे को देख करके और किसी के भाव को देख करके, रविंद्रन को देखा होगा आपने, आंख के अंधे, बड़े भारी संगीतकार हुए। तो हमें डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य की गरिमा। गांधी का सबसे बड़ा संदेश यही था, वी लिव इन 4D। और आज 21वीं शताब्दी में 4D ही चलेगा, आगे इसके आगे नहीं चल सकता। तो हमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अब राजसत्ता नहीं चलेगी। और गांधी ने इसलिए कहा, पौधा, बाकुनिन और गाडविन 3 बड़े ऐसे राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने अनार्किज्म पर पुस्तक लिखा, दर्शन दिया, अराजकतावाद। अराजकतावाद का मतलब डकैती लूटपाट नहीं है, अराजकतावाद का अभिप्राय होता है जो सत्ता है राज्य से कम नियंत्रण, राज्य का कम से कम उपयोग, न्यूनतम उपयोग राज्य का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का। प्रौधा, बकुनिन, गाडविन कहते हैं, गांधी और टॉलस्टॉय भी उस श्रेणी में आते हैं कि राज मनुष्यों की, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा, इतने कानून बनाएगा, मैरिज का अलग नियम कानून है, पैदा होने का अलग रजिस्ट्रेशन कराओ, पैदा होने कराओ, मृत्यु के बाद सर्टिफिकेट, उसके पहले जीएसटी, क्या इतने कानून बना दिया राज्य ने कि व्यक्ति की स्वतंत्रता 24 घंटे सोचता रहता है, इनकम टैक्स कब भरे, कब क्या रेशन टैक्स कब भरे, कब करे, ये कानून बहुत बनाता है। और इतने कानून बन जाएंगे तो राज्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। तो गांधी ने भी कहा, गांधी ने कहा राज्य अपने आप में संगठित हिंसा का स्वरूप है, क्योंकि राज्य अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए तरह तरह की चाल चलता है। कभी कहेगा गरीबी हटाओ, गरीबी हट जाए, कभी कहता अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी कुछ कहता है, अपनी सत्ता लश जो है उसके साथ चिपके रहने की, बने रहने की जो प्रवृत्ति है। इसलिए गांधी ने कहा राज्य के शक्ति का कम से कम उपयोग होना चाहिए, राज्य अपने आप में संगठित हिंसा का एक स्वरूप है। फर्क क्या है प्रौधा, बकुनिन और गाडविन जो पश्चिम के राजनीतिक चिंतक हैं, और भारत के पश्चिम के राजनीतिक चिंतक धर्म को भी मानते हैं, धर्म भी वैसा है जैसे राज्य है, वह भी तरह तरह के अनुष्ठान पैदा करते, सुबह उठो तो पहले प्रणाम करो, फिर पूजा करो आधे घंटे, फिर उठो, फिर ये करो, शादी विवाह करो, पंडित को बुलाओ, संस्कार करो, ये धर्म ने तो बिल्कुल पंगा डाल रखा है। धर्म भी जो है बहुत बड़ा धर्म जो है ये मनुष्यों को स्वतंत्र रहने देता ही नहीं। तो गांधी कहते हैं, गांधी और टॉलस्टॉय थोड़ा इससे अलग है, गांधी टॉलस्टॉय कहते हैं नहीं, हम ये तो मानते हैं कि राज्य की शक्ति कम हो मनुष्यों पर, स्वतंत्रता मिले, लेकिन धर्म व्यक्ति के नैतिक मापदंड को ऊंचा उठाता है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म अनुशासन। गांधी ने जब लिखा स्वराज, तो उनका स्वराज का अर्थ सुंदर राज नहीं था, आत्मा पर नियंत्रण। हम भारतीय हैं, हम क्या करते हैं, हमारा दो, आप लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हमारे 9 दार्शनिक हैं, 6 आस्तिक दार्शनिक हैं, 3 नास्तिक दार्शनिक हैं, पैरामीटर मिश्रा जी पढ़ाते होंगे, हमारे प्रोफेसर साहब सुची पढ़ाती होंगे, सुती जी पढ़ाती होंगी। आस्तिक और नास्तिक में क्या है, वेदों में विश्वास न करना, पुनर्जन्म में विश्वास न करना, और आप्त पुरुषों में विश्वास न करना, ये नास्तिक दर्शन का पैरामीटर है। और इसके अलावा जो विश्वास करते हैं वेदों पर वो सारे हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध, तीनों जो है नास्तिक श्रेणी में रख दिए गए, क्योंकि वेदों में विश्वास नहीं करते, कर दिया गया। लेकिन चार्वाक को छोड़कर जो दोनों जिसके नास्तिक कहते हैं, वह भी कहते हैं मनुष्यों के कल्याण का जो मार्ग है वह इंद्रिय निग्रह है, प्राण, क्रोध, मदलोभ जैसे जो विषय है, इन पर नियंत्रण करके ही आप पार पा सकते हैं। थोड़ा सा मैं गीता की तरफ चला जाऊं, गांधी उसके बड़े प्रेमी थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जानते हो ये तो दो ह्यापी कौनते पुरुष विपश्चिता इंद्रियारी प्रमाण प्रश्न बना। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा संकल्प लेकर के इंद्रिय निग्रह करने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए बैठे,
मन का जो वेग है इतना चलायमान है, मनुष्य को वश में कर लेता है, संभव नहीं है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन ने कहा, गुरु जी जब पता है आपको पीएचडी डिग्री कन्फर नहीं कर सकते तो रजिस्ट्रेशन करा के पीछे पीछे क्यों घुमा रहे हैं हमको? डिग्री नहीं मिल सकती पीएचडी की, आप कह रहे हैं संभव ही नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवा दिया हमारा अपने अंडर में, संभव ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त भारतीयों के लिए है, दुनिया के लिए है। कहते ऐसा नहीं है, तानि सर्वाणि संयम मैगुत आशित मदपुर विषय ही असंद्रियाणी तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठा। हे अर्जुन ऐसा नहीं है, करने के लिए क्या है, जो मुझे कोई भी काम आरंभ करने के पहले मुझे अपने ध्यान में रख लेता है उसका इंद्रियां बाल बाका नहीं कर सकती। इसलिए हमारे क्या है, सुबह की प्रार्थना है, दोपहर का सांध वंदन है, हम कुछ करने के पहले ईश्वर से, क्योंकि उतने देर तक हम मंदिर में रहते हैं तो हमारा मन दुनिया से अलग रहता है। और यही है, यही जो इंद्रिय निग्रह करने के तमाम सारे वैशिष्ट है भारतीय चिंतन में है। रामचरितमानस भी एक बड़ी चौपाई है। क्या चौपाई है? बड़ा भाई छोटे भाई के सामने काम प्रसंग की चर्चा नहीं करता, करता है नहीं करता है। लेकिन गोस्वामी जी बाध्य हो गए, फ्राइड से प्रभावित हो गए और क्या लिखा, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंद भी दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। अब मुझे लग रहा है कामदेव मेरे ऊपर आ रहा है, पायल की झनकार सुनकर के उन्होंने उनका मन विचलित हुआ फुलवारी में, लेकिन तुरंत कहा, क्या कहा, पर रघुवंशिन कर सहस सुभाऊ मद कुपंत पग धरी न काहू। ये भारतीय दर्शन की विशेषता है, हम गुरु से समाज से परिवार के जो आदर्श नियम नैतिक है उससे बंधे होते हैं, वही इंद्रिय निग्रह है जो मनुष्य को आगे बढ़ाता है। वह शिथिल पड़ा है हमारे देश में, उसकी 21वीं शताब्दी में बहुत आवश्यकता है। मित्रों, गांधी को तमाम विषयों पर न जाकर के 22 अक्टूबर 1925 को यंग इंडिया में गांधी का एक लेख आया जिसने बड़ा धूम मचाया। वो लेख क्या है, लेख है लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में एक बिशप थे फ्रेडरिक लेविस डोनाल्डसन, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे दुनिया में 7 सामाजिक पाप हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। वहां पर एक पत्रकार था जिसने गांधी के इंडियन ओपिनियन को साउथ अफ्रीका में जो उनके निकलते थे आर्टिकल पढ़ता था, वो उसने पढ़ा, कार्य ये जो डोनाल्डसन साहब कह रहे हैं गांधी का तो यही दर्शन है पूरा चल रहा है इंडियन ओपिनियन में, क्यों ने गांधी को हम भेजे लिखे कि इसको प्रकाशित करिए आप। तो उस पत्रकार ने गांधी को भेजा पूरा लेक्चर जो छपा था और कहा इसको हम चाहते हैं कि आप इंडिया में यंग इंडिया में निकालिए। गांधी बड़े प्रभावित हुए। मैं वही उन्हीं 7 विषयों पर अपनी बात रख के समाप्त करता हूं और वही मूल दर्शन है आज का। आज मूल विषय है 21वीं शताब्दी में मनुष्यता को जीवित रखने का, मानवता को बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। पाला क्या है, 7 सामाजिक पापों में पाला क्या है, गांधी कहते हैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज वन काइंड ऑफ सिन, चरित्र रहित ज्ञान सबसे बड़ा पाप है। ये गांधी तब कहते हैं, लिखते 1925 में 22 अक्टूबर को, जब चरित्र के साथ ज्ञान जुड़ा रहता था। आज क्या है, हमारे पास नॉलेजेबल कौन लोग माने जा रहे हैं आजकल, 3। पहले कौन होते हैं, Those who complete IAS examination, IAS जो उत्तर प्रदेश पब्लिक माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में IAS और IPS का जो एग्जाम होता है उसमें जो बैठते हैं, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल, फिर चुने जाते हैं और अब वो छोड़िए गए, ज्ञान तो बहुत उनके पास है, लेकिन इफ द करोड़ एंड करोड़ ऑफ द मनी फाउंड अंडर द बेड ऑफ IAS ऑफिसर एंड IPS ऑफिसर ऑफ द ब्रेड घूस का, अगर करोड़ रुपए के बिस्तर से इस हिंदुस्तान में, तो ऐसे ज्ञान का लानत है, शर्म की बात है, क्योंकि हमने ज्ञान को करैक्टर से नहीं जोड़ा। दूसरे क्या है, एवरी गार्जियन जस्ट हैव द ड्रीम टू सी देयर चिल्ड्रन टू बी द IITians, मेरे बच्चा IIT में आ जाए। अभी क्या IIT में बड़ा भारी गर्व होता है, बड़ी भारी परीक्षा होती है, और आने के बाद में अगर बच्चा, पहली बात तो अगर बहुत कॉम्पिटेंट है, ही रन अवे फ्रॉम द नेशन,
दुनिया में जाता है, बाहर पैसा कमाता है, भारत के बारे में कोई चिंता उसे नहीं, अपनी पैसे चिंता है, वहां चला गया। और जो रह भी गए वो क्या करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली द फ्यू, वी आर हैविंग द फ्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ द इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। आदि विश्वेश्वरैया जैसे इंजीनियर हिंदुस्तान में पैदा हुए जिन्होंने डैम बनाए, आज तक चट्टान की तरह खड़ा है। ब्रिटिश भारतीय इंजीनियर जो कलेक्टर की बिल्डिंग बनाई, ब्रिजेस बनाए, आज तक चट्टान की तरह खड़ी है। और आपने देखा होगा आज आईआईटी का पास आउट विद्यार्थी अगर बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, 6 महीने में कोलैप्स कर जाता है। इज इट नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, इज इट नॉट सिम्पटम ऑफ द नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। हमने आईआईटी बनाया, देश का पब्लिक मनी लगा दिया, निवेश कर दिया आपको बनाने के लिए, और आपने देखो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था और ब्रिज बनाया कोलैप्स कर गया, बाद में मिलिट्री को फुटब्रिज बनाना पड़ा, ये आईआईटी बना रहे थे। ये चिंता कितना रेशियो होना चाहिए, ईमानदारी कितनी होनी चाहिए, उसकी तरफ नहीं है। और तीसरा, और कौन इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर्स, एवरीबडी हैज ड्रीम। वृद्धावस्था में भी 70 और लोगों की तो नौकरी 60-65 साल की है, लेकिन डॉक्टर की नौकरी मरने समय तक जितना पुराना होगा हाथ देके पैसा लेगा, 1000 फीस बढ़ा देगा। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द बॉडी इंडिकेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। जो क्लिनिकल सिम्टम है पता है मलेरिया से सफर कर रहा है, लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फॉर व्हाट पर्पस, जस्ट टू गेट द कमीशन फ्रॉम द पैथोलॉजिस्ट। इज इट नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आई एम आस्किंग टू यू। गांधी कहते हैं आज के भारत में हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, प्रशासनिक अधिकारियों को गांधी के 1925 की उस अपील को स्वीकार करना चाहिए, तब देश मजबूत होगा। तब मालवीय जी की ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना या महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित 4 विश्वविद्यालयों की जो भूख है, हमारे विद्यार्थी कैसे हो, उनके द्वारा देश का निर्माण कैसे हो, तब बात पूरी होगी। दूसरा है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता रहित विज्ञान। एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया उसे हम भगवान सूर्य की तरह मानते हैं, बर्तोस इन्वेंटेड AK-47 राइफल्स, डिजास्टर बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, फास्फोरस बम, जो जड़ से चेतन तक को समाप्त करते हैं। अरे भाई तुम अगर साइंटिस्ट हो, डू रिसर्च, फाइंड आउट चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर द कैंसर पेशेंट, कौन मना करता है। दुश्वारियां कम करने के लिए विज्ञान का उपयोग होना चाहिए, शिष्य के विनाश के लिए, घातक यंत्रों के निर्माण के लिए नहीं। आई सल्यूट, मैं ऑक्सफोर्ड में गया था, मिलने का प्रयास किया उस महिला से जिसने एस्ट्राजेनेका पहला कोरोना का बनाया वो वैक्सीन, नहीं मिल पाया, मैं थी नहीं, वो चाहता था भारत से होकर के उन्हें बधाई दूं, लेकिन महिला का देखिए, वो ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो हमारे तमाम सारी बीमारियों के इलाज के लिए चीजें निकाल सके। तीसरा है कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, नैतिकता रहित व्यापार। आज क्या है, पेप्सी और कोको कोला की बॉटल जो आती है उसका जो कास्ट है टोटल 1 रुपए का है, और बिकती कितने में, 10 रुपए में। च्यवनप्राश तो नहीं है वो, च्यवनप्राश है वो, इट इज प्रूव्ड इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। हमारे यहां लैब में टेस्ट किया गया और बताया गया कि अतड़ियों को समाप्त कर देता, लीवर को डैमेज करता है, फिर भी इतना विज्ञापन होता है ना, क्या होता है विज्ञापन, 7वें मंजिल से आमिर खान पेप्सी का बॉटल लेकर कुत्ता खड़ा रहता है, कितना मजबूती है उसमें, क्या अग्रेसिव मार्केटिंग है। अगर ऐसे ही सरकार ने छूट दे रखा इन एजेंसियों को विज्ञापन के लिए, तो आप देखेंगे भविष्य में ये हमारे बच्चे समझेंगे कि माँ दुर्गा ने पेप्सी का एक चढ़ाया था, उसके बाद जो है मारा था सुमन शंभु को, हनुमान जी कोका कोला पी करके संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाए थे, इस तरह के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। चिंता का विषय है ये, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, नैतिकता रहित व्यापार एक बड़ा कष्ट का विषय है। गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सिंस। क्या है, सिद्धांत रहित राजनीति। वो गांधी जो नॉन वायलेंस के आधार पर सत्ता के प्राप्ति की बात करते हैं ब्रिटिशर से, आजादी की रफ्तार जो ट्रेन की थी फुल स्विंग में थी, और चौरी चौरा कांड हो गया, पता होगा चौरी चौरा के बारे में, देश के उन्मादी भीड़ में हमारी स्वतंत्रता के हमारे फ्रीडम फाइटर्स वो भी थे, उन्होंने आग लगा दिया थाने में, बच्चे जल गए, महिलाएं जल गई, कितने उसमें हमारे भारतीय पुलिस के जवान भी थे, वहां थे, ब्रिटिश के काम करते थे, जल गए, मर गए। और गांधी ने
पूरे देश में पूरा आग लगा हुआ था, ब्रिटिशर्स डर रहे थे अब जाना ही पड़ेगा। गांधी ने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लिया और कहा मुझे आजादी 50 वर्षों बाद मिले लेकिन अहिंसा के शर्तों पर मिलेगी। हाउ मेनी आवर पॉलिटिशियन टूडे ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आज भाजपा में, कल कांग्रेस में, परसों समाजवादी पार्टी में, सदन बसपा में, रातों रात आइडियोल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि हंगर ऑफ पावर, जो पावर हंगर है उसके लिए जिस तरह से सिद्धांत को तोड़ा जा रहा राजनीति के, ये चिंता का विषय हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए कठिन बात है, इस पर चढ़ने की जरूरत है। तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए और उस पर चलने की ताकत होनी चाहिए। अरे राणा प्रताप का सिद्धांत था, अकबर ने चिट्ठी लिखा किसको, राणा प्रताप को, कि देखो हमारा देश इतना बड़ा बड़ा है, हमारी सैन्य शक्ति बहुत है, तुम्हारा एक भाई मान सिंह मौसेरा भाई मेरा सेनापति है, तुम विद्रोह मत करो और आ करके तुम ही सेनापति हो जाओ, दो सेनापति रखेंगे हम। नहीं कहा, जब तक मेरी नसों में बहने वाला खून हिंदुस्तान का है तब तक मैं बिकने वाला नहीं हूं, सांस के अंतिम समय तक लड़। वो भी पॉलिटिक्स थी, वो भी प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स थी कि मारवाड़ को स्वतंत्र जब तक नहीं करा लेंगे तब तक हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज कितने कंप्रोमाइज हो रहे हैं देश, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और कहते हैं एक और भी है, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वर्शिप विदाउट, त्याग रहित कोई पूजा का मतलब नहीं है। मैं बड़ा पैसे वाला हूं, पैसा बना करके हमने बड़ा भारी भव्य मंदिर दुर्गा का अपने घर में बना लिया है और पूरे नवरात्रि में घी हम चढ़ाते हैं और बड़ा खर्च करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, टेंट लगाते हैं, बड़ा भारी काम करते हैं, लेकिन हम रोज घी चढ़ाएं और मेरे घर के ठीक बगल में एक रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाले के तीन बच्चे भूख से मर जाए, लाना पैसे पूजा को। और यही बात है मां शारदा रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में, घर पर विवेकानंद अपने कुछ साथियों के साथ, सन्यासियों के साथ पहुंचे, दाढ़ी बढ़ाए हुए, चंदन लगाए हुए, और पहुंचे, पूरी जमात पहुंची और मां शारदा ने यही कहा था कि विवेकानंद देश के लाखों लोग अस्वस्थ कर दशाओं में है, अशिक्षित है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है, उनके लिए कुछ करो। और देखा होगा मां शारदा के एक एक इशारे पर रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और सैकड़ों हजारों हॉस्पिटल दुनिया में चल रहे हैं हमारे देश में। क्रिश्चियनिटी का पूरा नारा ही है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व द गॉड, मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, त्याग के बिना कोई पूजा का अर्थ नहीं है। और दूसरा बता दें, गांधी जी ने भी कहा, हम सब भी जानते हैं, श्रद्धा और भव्यता दो विषय है, भव्य मंदिर होगा तभी भगवान रहेंगे, मंदिर छोटा है भगवान नहीं रहेंगे उसमें, भाग जाएंगे, ऐसा होगा क्या? अरे भाई बड़े बड़े मंदिर दुनिया में बने, कभी आप लोग मगहर चले जाइए, बहुत दूर नहीं है, बस्ती जिले में है, गोरखपुर बस्ती के बीच में है, एक चबूतरा है हिंदुओं का और बगल में एक मंदिर छोटा सा है और बगल में मस्जिद है, जाने वाला जो ही पहुंचता है पूरा आग विभोर हो जाता है। जैसे कैसे मैं आया, हमारी दो बहनें आई थी यहां जो संगीत विभाग से, जिस समय सुनाया मधुर मनोहर अतिव सुंदर सर्व विद्या की राजधानी, तबीयत बाग बाग हो गई। ये दर्शन है हमारे देश का। तो हमें भव्यता कभी श्रद्धा का आधार नहीं, और हम हर चीज को भव्यता की तरफ ले जा रहे हैं, श्रद्धा कम हो रही है, ईश्वर आक्रोश में है, विनम्रता में नहीं है। ये जो देख रहे हैं हम, विद्या ददाति विनयम, और विद्या से अहंकार पैदा हो रहा है, अगर क्रोध पैदा हो रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि ज्ञान से कुछ होने वाला है। तो वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस वन काइंड ऑफ सिन। और फिर कहते हैं वेल्थ विदाउट वर्क, श्रम रहित संपदा, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अरे आपने देखा होगा भामाशाह का, भामा साहब ने जीवन की पूरी कमाई कार रहित संपदा की बात है खोल दिया। आप जब भी बिना श्रम आधारित कोई पूंजी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं बिना श्रम के, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे होते हैं समाज को, दुनिया को। इसलिए कहा गया श्रम आधारित जीवन जीना चाहिए, गांधी का नारा ही था श्रम आधारित। कल्पना करिए आप खाना होटल में खाते हैं और खाना घर में खाते हैं, बाहर पैसा देते हैं, घर में एक माँ जब सब्जी बनाती बड़े मेहनत से भून करके, आधे घंटे श्रम लगा करके, और जब बहुत अच्छा भाव बन जाता है और खाना खाने बैठते हैं बेटे और बाप, उसका बेटा उसका हस्बैंड बैठते हैं और खाना खिलाती है,
जितने ही खुश होते हैं खाते हैं, जितने खाते हैं, माँ का दिल उतना ही प्रसन्न होता है। आज मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, मेरे बेटे और हस्बैंड इतने अच्छे ढंग से खा रहे हैं, वो बेटा और बाप क्या उस माँ के श्रम का मूल्य दे सकते हैं क्या? मैं पूछता हूं आपसे, हमें उस तरफ जाना है, वो श्रम जो मन से किया गया, हृदय से किया गया है, जिससे प्रेम बन रहा है, भाव आ रहा है, हमें उस तरह की संपदा का सिलेक्शन करना है, इलेक्शन करना है, और जो है उसे करेक्शन करना है। एक नई बात लास्ट जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो मैंने कहा प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, अंतः चेतना रहित भोग। आपने देखा है शराब पीने वालों को, अभी ध्यान से देखिए पड़ोस पर, अब तो बहुत कुछ मिल जाएंगे, ज्यादा लोग पी रहे हैं देश में। हमारे यहां बनारस में ही मैं देखता हूं गांव से दूधिया आते हैं ना बाल्टा लेकर के, ठीक है ना। हमारा एक लेख भी था बहुत पहले लिखा था, दूध के दामन में दारू की महक। गांव से आता हो यादव या दूध वाला, दूध लेकर आता शहर के लोगों को दूध बांटता है, और जब शाम को जाता है तो पाउच खरीद के जाता है यहां से शराब की। कितना चिंता का विषय है ये। अंतः चेतना रहित भोग, जो ही आप में इसका, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शराब थोड़ा सा लेंगे थोड़ा सा नशा होगा। शराब पीने वाला पहले क्या होता है, जब थोड़ा चढ़ता है तो हाथी की तरह चलता है, पैर देखिए उसका लगता है कि जमीन को पैर रख रहा धस जाएगी जमीन, झूमते हुए चलता है। और उसके बाद क्या होता है, लायन में कन्वर्ट होता है, और चढ़ती है जब तो गुर्राता है, सबको ललकारता है, प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक, सबको एक मिनट में ठीक कर देगा वो। और जब चढ़ जाता है तो बिगरी फार्म में, सुअर के फार्म में जाता, नाली में गिर जाता है। अंतः चेतना रहित भोग, भोग की प्रकृति आपको हाथी से लेकर के अंत में सुअर तक ले जाती है, इसलिए हमें इससे बचने की जरूरत है। टुडे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, लास्ट फोर डेज आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर। कभी कभी और आना होगा तो गांधी के दार्शनिक विषय को पढ़ाने के लिए, हमने गांधी को दर्शन शास्त्र की दृष्टि से सिर्फ एक किताब पढ़ी है बहुत जबरदस्त, वो है भारतीय दर्शन परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे स्मृति शेष प्रोफेसर संगम लाल पांडे की, उन्हें गांधी दर्शन पर किताब लिखी है। गांधी दर्शन का मतलब है, जब दर्शन की बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी तत्व मीमांसा पर बात होगी, ईश्वर जगत और मनुष्य इनके बीच परस्पर संबंध क्या है, कैवल्य क्या है, निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है, श्रद्धा मुक्ति क्या है, मार्ग क्या है। गांधी ने इन सब विषयों पर व्यापक चर्चा की है, इसे संकलित करके छापा है प्रोफेसर संगम लाल पांडे जी ने, पुस्तक शायद आउट ऑफ प्रिंट है लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं, आई सजेस्ट यू। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, गांधी पर दुनिया के लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, गांधी ने अपने जमाने में ये गलती किया, भारत पाकिस्तान बंटवारे के दोषी हैं, भगत सिंह को बचाया नहीं, खड़े हो गए होते भगत सिंह बच जाते, दुनिया भर के तर्क यही सब आते हैं, पटेल को बना दिया होता प्रधानमंत्री तो देश बहुत बड़ा हो गया होता, अखंड भारत, दुनिया भर की बातें कहते हैं लोग, सुनता हूं। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। एक बात, क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी को गॉड ऑफ फादर, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, नाम सुना सचिन तेंदुलकर को, नाम सुना आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर को, हमेशा सेंचुरी बनाया है क्या? कई बार मुझे एक बात याद आती है, एक बार मैं भी क्रिकेट देखता हूं थोड़ा बहुत, बड़े गांधीवादी हूं देख लेता हूं क्रिकेट देखता हूं, एक बार वेस्ट इंडीज के टीम के जमाने में तीन बड़े खिलाड़ी थे जिनकी गति बहुत ज्यादा थी, मिश्रा जी, मल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंटी रॉबर्ट, तीन बड़े खिलाड़ी उनके थे और दुनिया के लोग थर्राते थे क्योंकि उनकी बाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं आती थी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है निर्णय लेने का, गेंद को छोड़ दें या स्वीप कर दें या फॉरवर्ड होकर आगे बढ़कर खेलें, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निर्णय जजमेंट करने में देरी हुई जबड़ा उड़ जाएगा। बड़े खिलाड़ी थे और मैं देख रहा था 5 ही रन बनाया था तेंदुलकर ने और एंटी रॉबर्ट की गेंद आई आगे बढ़कर, क्या खड़े खड़े सोचा उसको डिफेंस तरीके से खेले, लेकिन बाल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई और तेंदुलकर आउट, क्या हो गए आउट। अब कमेंट्री करने वाला कौन कर रहा है, जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ व्यक्ति वो रणजी प्लेयर भी नहीं है, वो 100 किलोमीटर रफ्तार की गेंद को खेलने में डरता है, कमेंट्री कर रहा है स्लो मोशन में देखता और कहता है फुटवर्क अच्छा नहीं था,
ये इन्हें आज फुटबॉल इन्हें आगे बढ़कर खेलना चाहिए था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया। अरे तुम उतनी तगड़ी गेंद को झेल नहीं सकते हो, कमेंट कर रहे हो तेंदुलकर पर, आगे बढ़कर खेलना चाहिए था। गांधी, पटेल, नेहरू, तमाम सारे देश के राजनयिकों ने उस ब्रिटिश जमाने में जब लोग बोलते थे फांसी चढ़ा दिए जाते थे, उस जमाने में बोलने का साहस किया, तो वो एंटी रॉबर्ट की गेंदों का सामना कर रहे हैं। और जिन्होंने 50 किलोमीटर रफ्तार भी नहीं देखा, जिस व्यक्ति ने 12 वर्ष अपने जीवन जेल में बिताए, बड़े बाप के पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 वर्ष 6 महीने 11 दिन जेल में रहे, बड़े बाप का बेटे थे वो, अनुभव धर्म का देखा होगा आपने, पैलेस की तरह इलाहाबाद गए होंगे। उस व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, 12 वर्ष जेल में बिताए, और उन पर जब टिप्पणी करते हैं तो हमें आज के लोग जो टिप्पणी करते हैं, एक दिन भी किसी गरीब के लिए जेल नहीं गए होंगे, लेकिन गांधी पर जब कमेंट करते, नेहरू पर कमेंट करते तो कष्ट होता है। दिस इज माई अपील टू यू, गांधी को मानो या न मानो, जानो तो सही, और जानने के लिए गांधी की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। विद दीज वर्ड्स आई सम अप माय डिलिबरेशन। थैंक यू वेरी मच।